अब सवाल आपसे ये है कि आप इंग्लिश में दो किताब लिख चुके हैं, दोनों हमारे हाथ में है, यू आर अनस्टॉपेबल एंड विजडम ऑफ एक्सलेंस। अब सवाल ये है आपसे कि आप बिहार से हैं और बिहार में कहा जाता है कि इंग्लिश लोगों का पेन पॉइंट है, मतलब इंग्लिश को लेकर के वो बहुत अधिक डरते हैं और इंग्लिश को लेकर के बहुत फजीहत होते रही है बिहार के लोगों की, ठीक है, तो आप इंग्लिश में किताबें लिख पा रहे हैं, मतलब ये कैसे संभव हो पाए? सवाल ये है कि आप अपने आप को साइंटिफिक मोटिवेटर, मतलब साइंटिफिक मोटिवेशन लोगों को आप देते हैं, मतलब ये एग्जैक्टली है क्या? क्योंकि आज मोटिवेशन हर लोग दे रहे हैं, ये साइंटिफिक मोटिवेशन क्या है? नमस्कार, मैं अनुराग दांगी, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने शो टॉक्स ऑफ लेजेंड्स में। आज जो हमारे साथ मेहमान बन रहे हैं वो बेहद ही खास हैं। वो खास क्यों है आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा, लेकिन उससे पहले मैं उनके बारे में थोड़ी बातें बता दूं कि ये वो शख्स है जिन्होंने इंग्लिश में दो दो किताबें लिख रखा है। वो दोनों किताबें मैं आपके सामने यहां दिखा रहा हूं। सबसे पहली किताब हमारे पास है यू आर अनस्टॉपेबल और दूसरी किताब है विजडम ऑफ एक्सेलेंस। लेकिन इन दो किताबों को देखने के बाद आप ये मत समझ लीजिएगा कि ये महज एक ऑथर हैं, ये एक पब्लिक स्पीकर हैं, ये एक टीचर हैं, सोशल वर्कर हैं और भी बहुत कुछ। तो चलिए स्वागत करते हैं आप लोगों के साथ अपने शो में आज डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव जी का। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई एम ग्रेटफुल सर, आई एम ग्रेटफुल, थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग इन द शो, क्योंकि बहुत लंबे वक्त से हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि आपको इनवाइट किया जाएगा शो में, लेकिन वक्त नहीं मिल पा रहा था या कुछ आपके साथ कुछ ऐसे सीन्स बन जा रहे थे कि हम लोग एक जगह पे बैठ नहीं पा रहे थे, बट राइट नाउ वी आर सिटिंग एट अ प्लेस एंड वी आर टॉकिंग, इट्स रियली अ प्लेजर फॉर मी। अब आगे बढ़ते हैं सर सीधे सीधे सवालों के साथ, क्योंकि सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ये जो आपका चेहरा इतना चमक रहा है और इतनी डैशिंग पर्सनैलिटी है आपकी, इसके पीछे क्या राज है? देखिए, जब मिस्टर अनुराग दांगी जी के साथ बैठना हो और स्टेज को शेयर करना हो तो जस्टिस करने के लिए मुझे अपनी पर्सनैलिटी का एनहांस करना है। क्या बात है, मतलब यू आर ट्रूली अमेजिंग। अब चलते हैं सीधे सीधे क्वेश्चंस के दौर में, सवालों का सिलसिला अब शुरू होता है आपसे। आप एक शिक्षक रहे हैं, आप एक पब्लिक स्पीकर भी हैं, आप एक ऑथर भी हैं, अगर इन तीनों रोल में अगर मैं आपसे पूछूं कि किस रोल में आप अपने आप को सबसे अधिक कंफर्टेबल फील करते हैं तो वो क्या होगा? सबसे अधिक कंफर्टेबल और सबसे अधिक जिस मतलब चीज में मैं अपने आप को चाहता हूं कि मैं रहूं, मैं जीऊं, वो है एक ऑथर और एक मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में। मैं चाहता हूं कि अपनी जिंदगी को जीऊं, जब तक जिंदा हूं तब तक एज एन ऑथर लोगों की लाइफ में एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस को क्रिएट कर सकूं और साथ ही साथ अपने स्पीचेस से, अपने प्रोग्राम से, अपने सेमिनार से थोड़ा बहुत ही सही जो इंसान डिप्रेस्ड है, जो इंसान डिजेक्टेड है, उसको हेल्प कर सको। क्या बात है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि जिस दिन आप दूसरों के लिए कुछ करना शुरू कर देते हैं ऊपर वाला हमारे लिए कई सारे रास्ते खोल देता है। एंड अनडाउटली अभी जब मैं आपको देखता हूं तो आप बड़े बड़े लोगों के साथ बैठते हैं, बड़े बड़े सेमिनार्स में, इवेंट्स में आपको एज ए चीफ गेस्ट बुलाए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये उन्हीं चीजों का परिणाम है जहां तक मुझे लगता है। लेकिन आपसे अब सवाल ये है कि आप इतने इजीली जो कनेक्शंस बिल्ड कर पाते हैं, जो मैं पर्सनली फील कर पाया हूं, क्योंकि जब मुझसे आपकी पहली मुलाकात हुई थी तो ना मैं आपके बारे में कुछ जानता था ना आप जानते थे, बट इन द फर्स्ट मीटिंग आपने इस तरीके से कुछ फेंका हमारे सामने कि मुझे उसको पकड़ना ही पड़ गया, लगा कि नहीं यार दिस इज द पर्सन विद हुम आई शुड गेट कनेक्टेड एंड इट्स नॉट अबाउट मी ओनली। मैंने कई सारे लोगों को देखा है जो आपसे बहुत अच्छे तरीके से कनेक्टेड है, क्योंकि मैं कई सारे लोगों का इंटरव्यू भी अपने चैनल पे किया हूं जो आपको पर्सनली जानते हैं एंड वो बहुत मानते भी हैं आपको, तो ये जो कनेक्शन आप बिल्ड कर पाते हैं ये कैसे कर पाते हैं? देखिए, मैं एक चीज जरूर बताना चाहूंगा अनुराग दांगी जी कि यूनिवर्स में एक चीज फंक्शन करती है, जो ऑपरेट होती है, वो है द लॉ ऑफ इंटेंट। और द लॉ ऑफ इंटेंट मेरे हिसाब से जो मैं समझता हूँ, लॉ ऑफ इंटेंट का मतलब होता है आप किसी भी इंसान से मिलें, पहली बार हो या दसवीं बार हो, आपकी नियत हमेशा साफ रहनी चाहिए, हमेशा साफ रहनी चाहिए। कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि इस इंसान से मैं मिलूं तो कैसे मैं इसका मिसयूज कर सकूं, ये गलत है। आप हमेशा ये सोचें कि इस इंसान से अगर मैं मिलता हूं तो इसकी लाइफ में मैं कैसे वैल्यू को ऐड कर सकता हूं, इसके प्रॉब्लम को कैसे मैं सॉल्व कर सकता हूं, है ना, इसको कैसे मैं हेल्प कर सकता हूं,
उस इंसान को, किसी भी एज का हो, किसी भी एज का, किसी भी रिलीजन का, किसी भी कास्ट का हो, इस इंसान को इसकी जिंदगी में मैं इसके अगले लेवल ऑफ ग्रोथ पे कैसे लेके जा सकता हूँ, इसी मनसा, इसी एटीट्यूड के साथ मैं लोगों से जुड़ता हूँ। क्या बात है, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात आपने कह दी यहाँ पे कि जब भी आप किसी इंसान से मिलो तो आपका जो इंटेंट होना चाहिए उससे फायदा लेने वाला नहीं, बल्कि उसकी कैसे हम मदद कर सके, उसको कैसे हम फायदा पहुंचा सके, ये वाला इंटेंट होना चाहिए। और जब आपका ये इंटेंट होता है तो ऑब्वियसली फिर लोग रेसिप्रोकेट, एग्जैक्टली, क्योंकि उसके पास आज तक जितने भी लोग आए थे वो अपने फायदे के लिए आए थे, और आज आप उनके फायदे के लिए गए हो तो उन्हें लगता है कि ये कुछ अलग है, ये कुछ यूनिक है, और वो फिर पर्सनली आपसे कनेक्ट हो जाते हैं। एक चीज मैं और यहाँ पर ऐड करूंगा कि मैं दर्शकों को भी यहाँ सिखाना चाहता हूँ कि कभी भी डिसीजन लेने में अगर मुझे समस्या होती है मेरे कस्टमर के साथ, मेरे क्लाइंट के साथ या मेरे ऑडियंस के साथ, तो मैं और मेरी पूरी टीम हम लोग ये बैठ के सोचते हैं कि अगर मैं ये स्टेप ले रहा हूँ इससे कस्टमर का फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। मैं इवेल्युएट करता हूँ, मैं चेक करता हूँ कि रिस्क कितना है और गेन कितना है। जहां मुझे लगता है कि नहीं कस्टमर का फायदा है वही चीज मैं करता हूँ। कई बार ऐसी भी सूरतें आती हैं जहां पर मुझे लगता है कि मेरा तो फायदा हो रहा है लेकिन कस्टमर का फायदा नहीं हो रहा है, उसको मैं उसी दिन एंड देयर क्या करता हूँ, क्रॉस कर देता हूँ। हर हाल में कमिटेड टू माय कस्टमर्स गुड लाइफ, हर हाल में मैं अपने आप को कमिटेड रखता हूँ, और डिसीजन कभी भी लेना होता है तो मैं कस्टमर के हित का पहले सोचता हूँ, कस्टमर फर्स्ट कमीशन सेकंड। क्या बात है, मतलब ये अपने आप में अगर एक सही एंटरप्रेनर या एक सही बिजनेस पर्सन के लिहाज से भी अगर देखा जाए तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जैसे ही आप कस्टमर्स के बारे में आप सोचना शुरू करते हैं तो आपकी माउथ पब्लिसिटी बढ़ जाती है। अदरवाइज अगर आपके प्रोडक्ट्स नो डाउट हैं और अगर वो बहुत अधिक एफिशिएंट नहीं है, कस्टमर को बहुत अधिक पसंद नहीं आ रहे, तो आपको अग्रेसिव मार्केटिंग करना पड़ेगा, लेकिन एक वक्त ऐसा होगा कि आप मार्केट से आउट ही हो जाएंगे। लेकिन आपके प्रोडक्ट अच्छे हैं, कस्टमर को पसंद आ रहे हैं, आपकी इंफ्रा बहुत अच्छी नहीं है, आपकी मार्केटिंग बहुत अच्छी नहीं है, तो भी ये माउथ पब्लिसिटी के जरिए वायरल हो सकता है। अमेजिंग, ट्रू लर्निंग यू आर जस्ट गिविंग टू द ऑडियंस। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चंस। एक्चुअली अब सवाल आपसे ये है कि आप इंग्लिश में दो किताब लिख चुके हैं, दोनों हमारे हाथ में है, यू आर अनस्टॉपेबल एंड विजडम ऑफ एक्सलेंस। अब सवाल ये है आपसे कि आप बिहार से हैं और बिहार में कहा जाता है कि इंग्लिश लोगों का पेन पॉइंट है, मतलब इंग्लिश को लेकर के वो बहुत अधिक डरते हैं और इंग्लिश को लेकर के बहुत फजीहत होते रही है बिहार के लोगों की, ठीक है, तो आप इंग्लिश में किताबें लिख पा रहे हैं, मतलब ये कैसे संभव हो पाए? देखिए, जब मैं 8वीं क्लास में पढ़ता था तो मेरे एक टीचर थे KN तिवारी सर, उन्होंने एक आर्टिकल लाके बच्चे को क्लास में दिखाया था और आर्टिकल में लिखा हुआ था बिहार लैक्स ऑफ गुड इंग्लिश, और उस मोमेंट पे मुझे बहुत बुरा लगा था, ऑब्वियसली मेरे सारे दोस्तों को बुरा लगा था, तो देर एंड देर मैंने डिसाइड किया था कि मैं अपनी इंग्लिश को हमेशा क्या रखूंगा, अच्छा रखूंगा। बिहार को बचपन से ही दिल में मैंने बसाया है। उसके बाद नसीब कहिए या कर्म कहिए, टीचर अच्छे बड़े मिल गए मुझे। जब बचपन में पढ़ता था बेगूसराय जिले के बरौनी में, तो वहाँ एक विद्यालय हुआ करता था लेडी मरियम कॉन्वेंट, आज भी है, वहाँ के डायरेक्टर से आज भी मेरी बात होती है, जो टीचर मुझे ने मुझे 1, 2, 3, 4 पढ़ाया उनसे आज भी कनेक्टेड है। उन लोगों को काफ़ी गर्व होता है, वो तो बिलीव ही नहीं करते हैं कि अभिषेक जी पर्सनली हमसे कनेक्टेड है, लेकिन मैं बोलता हूँ कि सर मैं जो भी कुछ हूँ आपका आशीर्वाद हूँ। तो वहाँ एक टीचर हुआ करते थे PN सर, पशुपतिनाथ सर, इंग्लिश बहुत अच्छी थी उनकी, संजोग था, ईश्वर ने मुझे, मैं कह सकता हूँ कि गोद ले लिया और गोद सीधा अल्लाह करके उस टीचर के गोद में पटक दिया मुझे, मैं यही कहूँगा। और उन्होंने क्या, मतलब आज उन्होंने 1, 2, 3, 4 में जो उन्होंने मुझे अंग्रेजी पढ़ाया, आज तक मैं उसी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। क्या बात है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बहुत, कि अगर आपकी स्कूलिंग बहुत अच्छी हुई हो तो ऑब्वियसली मतलब वो आपके फ्यूचर में बहुत अधिक काम आता है। आपकी स्कूलिंग बहुत अच्छी हुई, आप CBSE से रहे तो इसका एक फायदा मिला, इसका एक आपको एडवांटेज मिला, लेकिन आपसे सवाल ये जरूर पूछेंगे कि बिहार बोर्ड के भी बच्चे बिहार में रहते हैं और उनको लेकर के तरह तरह के मीम्स वायरल होते रहते हैं, उनके रिजल्ट्स को लेकर मीम्स वायरल होते रहते हैं और उनकी इंग्लिश को लेकर के तो होते ही रहते हैं, तो आप ये बताओ कि अगर कोई बंदा, अगर कोई लड़का या लड़की कोई भी हो, वो CBSE से ना पढ़ाओ, बिहार बोर्ड से पढ़ाओ, आपकी बचपन से नर्चरिंग हुई है इंग्लिश में, लेकिन ये अब एक तरीके से समझिए कि इंग्लिश सीखना शुरू करता है 10th या 12th के बाद, तो फिर ऐसी स्थिति में क्या पॉसिबिलिटी है कि उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाए? देखिए, पॉसिबिलिटीज तो हर जगह होती है, अगर आपका एक ऑप्टिमिस्टिक सोच होती है, अगर आपकी एक सोच ऑप्टिमिस्टिक है तो हर जगह पॉसिबिलिटी होती है। अब सवाल यह है कि
वो कैसे अपने आप को डेवलप करे, राइट, कैसे अपने आप को एम्पावर करे, एजुकेट करे, सो दैट की इंग्लिश उसकी अच्छी हो जाए. तो सबसे पहली चीज ये है कि उसको एक संकल्प के साथ काम करना पड़ेगा, जिसे हम लोग बोलते हैं विकल्प रहित संकल्प, और दूसरा होता है अखंड प्रचंड पुरुषार्थ. तो ये दो चीजें करनी होंगी और एक ढंग का टीचर उसको चाहिए लगेगा. मतलब खुद वो काम कर ही रहा है परिश्रम से, मेहनत से, लेकिन जो उस बच्चे का लेवल है उसके अकॉर्डिंग, अगर वो बच्चा प्रीमियम कैटेगरी का है तो उसको प्रीमियम टीचर चाहिए. True. अगर बच्चा बेसिक कैटेगरी का है तो बेसिक टीचर चाहिए. True. अगर बच्चा स्टैंडर्ड कैटेगरी का है तो स्टैंडर्ड टीचर चाहिए. प्रॉब्लम कहाँ आती है बच्चों के साथ, खुद बेसिक है लेकिन कॉन्टैक्ट करता है प्रीमियम टीचर को, संभव नहीं है. खुद के लेवल को इवेलुएट करे और अकॉर्डिंगली बेसिक स्टैंडर्ड और प्रीमियम टीचर की कैटेगरी को सिलेक्ट करे. True. और बोले तो कि अखंड प्रचंड पुरुषार्थ के साथ अगर वो काम करे एक दिशा में, तो 6 से 8 महीने में इंग्लिश उसकी अच्छी हो जाएगी. क्या बात है, दैट्स अमेजिंग. सर एक चीज यहाँ पे मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, वो हमारे कंपनी से रिलेटेड है, इंग्लिश शो से रिलेटेड है, क्योंकि बात इंग्लिश से आई तो मुझे याद आ गया. बिहार को लेकर के मेरे मन में भी बहुत रहता है कि हाँ, कि लोगों की इंग्लिश को ठीक किया जाए, क्योंकि मैंने देखा है कि जिसकी इंग्लिश अच्छी है ना वो बेरोजगार नहीं है. बहुत बढ़िया, मतलब एक नहीं, मतलब बहुत सारे, बहुत बढ़िया ऑब्जर्वेशन है, बहुत बढ़िया आपका ऑब्जर्वेशन. कोई बेरोजगार नहीं, मतलब सिंपली कोई बेरोजगार नहीं है. इंग्लिश अगर उसे आती है तो बेरोजगार नहीं, या तो वो एक टीचर है, कॉल सेंटर में जॉब कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं वो एम्प्लॉयड है. और अगर उसकी उससे ऊपर ही उठेगा, हाँ, अगर उसकी इंग्लिश अच्छी है तो जहां पे एक नॉर्मल बंदा है उससे कहीं ना कहीं अपग्रेडेड लेवल पे वो है. ये मैंने देखा है. तो इन सारी चीजों को देखते हुए हम लोगों ने प्लान किया कि बहुत इकोनॉमिकल कॉस्ट पे लोगों को इंग्लिश की ट्रेनिंग दी जाए. लेकिन आप जो बोल रहे थे कि एक मेंटोर हो उनके लेवल के हिसाब से, तो हम लोगों ने क्या किया कि कई सारे ट्रेनर्स हम लोगों ने अपने प्लेटफॉर्म पे लाए. इंग्लिश शो ये प्ले स्टोर पे ऐप है, तो कई सारे ट्रेनर्स हम लोगों ने लाए, जिसमें से निधि राणा मैम है जो बहुत अच्छी ट्रेनर है, जो स्टॉक्स पे 2-2 बार आ चुकी है और बहुत अच्छा पढ़ाती है वो. तो वो हैं माल्या रस्तोगी मैम है, अंजलि प्रताप मैम है, मैं खुद भी हूँ वहाँ पे, इसके अलावा और भी ट्रेनर्स हैं. तो हम लोगों ने डाइवर्सिफाई किया है कि आपको जिस ट्रेनर के साथ मन मिल जा रहा है, ठीक है, उस ट्रेनर के साथ सेट हो जाइए, और अगर यहाँ से लेवल फिर अपग्रेड होता है तो फिर दूसरे ट्रेनर के साथ शिफ्ट हो जाइए. तो व्हाट डू यू थिंक कि ये जो हम लोग सोच रहे हैं, जिस लेवल से प्लान कर रहे हैं, ये कैसा रहेगा बिहार के लिए? जो दर्शक देख रहे हैं, मैं उन दर्शकों को बता दूं कि जिस मॉडल के बारे में आप बात कर रहे हैं, वो मॉडल इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे लगता है कि एटलीस्ट हिंदुस्तान में कहीं नहीं है. ट्रू. और इफ आई एम नॉट राइट अप टू सम एक्सटेंट, आई एम डेड श्योर कि बिहार में तो बिल्कुल ही ऐसा कोई मॉडल नहीं है. True, true. क्योंकि एक बच्चा का लेवल जब अपग्रेड होता है तो डेफिनेटली सेम लेवल ऑफ टीचर उसको नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि उसका लेवल ऊपर चला जाता है. और हर एक पार्टिकुलर लेवल के स्टूडेंट्स के लिए, देखिए मैं जैसे एग्जांपल के थ्रू अगर मैं एक्सप्लेन करूं, तो अगर आपका बेसिक ही ठीक नहीं है 11th और 12th, तो आप आईआईटी का तैयारी कैसे कर लीजिएगा? मुश्किल हो जाएगा ना. फिजिक्स अगर आपको बहुत अच्छा से नहीं आता है, तो आप फिजिक्स में है बेसिक, आप सीधा एडमिशन करा ले रहे हैं बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन में, जहां पर सिर्फ आईआईटी के नीचे के लेवल की बात ही नहीं हो रही, मुश्किल हो जाएगा ना. तो आपका जो मॉडल इंग्लिश ईओ का, विद ड्यू रिस्पेक्ट, उस मॉडल को मैंने स्टडी किया है और मैंने देखा है कि शिफ्ट, एक पैराडाइम शिफ्ट आता है अगर बच्चा 3-4 महीने में, अगर जैसा कि आपने नाम, हाँ, जैसा कि आपने टीचर का नाम बताया, रस्तोगी मैम का नाम बताया, अगर बच्चा रस्तोगी मैम के साथ पढ़ रहा है 6 महीने बाद, उसका क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा, स्विच कर जाएगा. तो इससे क्या होगा ना कि बच्चा का एक्यूरेट जो टैलेंट है, जो जेन्युइन टैलेंट है, वो क्या हो जाएगा? डेवलप होता चला जाएगा, और बहुत कम समय में, बहुत तेजी से, क्योंकि ये लगभग कस्टमाइज सर्विस हो जाएगा. लगभग कस्टमाइज सर्विस हो जाएगा. मैं जैसा हूं, मैं अपने हिसाब से, हाँ, अपना ट्रेनर, अपने हिसाब से मैं टीचर रख लूंगा. क्या बात, ये बहुत अच्छी चीज होगी. थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट. बाकी एक और इसमें ऐड कर देता हूँ, क्योंकि लोगों के लिए मैंने एक ऐसी कम्युनिटी बिल्ड करने का भी प्लान किया है एप्लीकेशन के अंदर ही, जहाँ पे मतलब लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं, एक दूसरे से इंग्लिश में चैट कर सकते हैं, कॉल्स कर सकते हैं, उनके साथ मीटिंग्स कर सकते हैं. तो हमें लगता है कि इट विल ऑल्सो एम्पावर देम, लाइक, क्योंकि हम इंग्लिश बोलना चाहते हैं लेकिन बोले किससे, तो वो बोलना किससे है वो ढूंढ के हम ही आपको कम्युनिटी में दे दे रहे हैं. तो एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर ढूंढने का ऑप्शन हम लोगों ने दे रखा है अपने आप में, तो दैट्स गोना ऐड वैल्यूज टू पीपल लाइफ. थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट फॉर अप्रिशिएटिंग. अब आगे बढ़ते हैं. अब सवाल ये है कि आप बिहार में रहे हैं, आपने हर तरीके के लोगों को देखा है, जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले लोगों को भी देखा है, आईआईटी मेडिकल की तैयारी करने वाले लोगों को भी देखा है, यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी करने वाले लोगों को भी देखा है, आपने प्राइवेट जॉब करने वाले लोगों को भी देखा, क्योंकि आप एक पब्लिक स्पीकर भी हैं और आप एक ऑथर्स हैं. सबसे बड़ी बात है क्योंकि ऑथर्स के पास जो पार होता है ना इन विजनिंग का, कि वो भी देख लेता है जो अभी नहीं हुआ नहीं है.
तो आपने बहुत कुछ देखा है। अब सवाल आपसे ये है कि बिहार के लोग जो कंप्लीटली गवर्नमेंट जॉब की तरफ एकदम पागल हैं कि नहीं मुझे गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए, गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए, इस चीज को लेकर के आप क्या सोचते हैं? उन्हें क्या पैरेलली कुछ और भी ऑप्शंस रखने चाहिए या सिर्फ और सिर्फ एक लक्ष्य लेकर के कि नहीं मुझे गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए और उसके लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर देना चाहिए? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? अब तक का सबसे जबरदस्त सवाल है। क्या इंटेलिजेंस है आपका अनुराग जी, मजा आ गया। सवाल बहुत बेहतरीन सवाल है। कोशिश करूंगा आपके सवाल का उत्तर देना और कोशिश करूंगा कि जस्टिस कर सकूं आपके सवाल के साथ। अनुराग जी, एक दरवाजा है और उस दरवाजा में 4 से 5 आदमी ही एक साथ जा सकते हैं। ट्रू। और उस दरवाजे में अगर एक पद के लिए अगर 9 लाख लोग एप्लीकेंट हो तो आप समझ सकते हैं कि दरवाजे का और उस कमरे का क्या हाल होगा। ट्रू, एग्जैक्टली। बहुत मुश्किल हो जाएगा। गवर्नमेंट जॉब आपको खुद समझ आएगा एज ए स्टूडेंट, अगर आप थ्रू आउट अच्छे हैं पढ़ने में और अगर आप में वो डेडिकेशन है, वो डिसिप्लिन है, वो डिटर्मिनेशन है और आप में वो कह सकते हो कि वो एफर्ट्स लेने की ताकत है, तब तो ठीक है, आप गवर्नमेंट सर्विस करो। लेकिन गवर्नमेंट सर्विस के साथ साथ पैरेलल, क्योंकि स्किल इंडिया, हमारे मोदी जी भी, प्रधानमंत्री जी इसको इंकरेज करते हैं, मैं भी सपोर्ट करता हूँ। मैं मोदी जी को सपोर्ट नहीं करता हूं, उनके इनिशिएटिव को सपोर्ट करता हूं। मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर नहीं हूं, ना मुझे उससे कोई लेना देना है। कोई भी पार्टी कुछ अच्छा करती है मैं अप्रिशिएट करता हूं। उन्होंने स्किल इंडिया के बारे में बात किया है, डिजिटल इंडिया के बारे में बात किया है, हम चाहते हैं कि नौजवान उस पर आए। तो एक कोई ना कोई एक स्किल, अभी आप देखेंगे कि ऑनलाइन लर्निंग और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी शुरू ही हुआ है भारत में, और अभी मुझे लगता है कि 15-20 साल 25 साल में ये और बूम ही करेगा। तो जो बच्चे गवर्नमेंट सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो साइड बाय साइड कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करें, अपने स्किल को डेवलप करें, सो दैट कि आगे उनको अगर ऐसा होता है कि वो दरवाजा बंद भी होता है तो भी उनके पास दरवाजे खुले रहेंगे। क्या बात है, ये करना बहुत जरूरी है। क्या बात, अपने आप को स्किलफुल बनाना पड़ेगा। हम लोग इसको बोलते हैं सक्सेस हेक्सागोन, जिसको हम लोग बोलते हैं अपने नॉलेज पे काम करें, अपने एटीट्यूड पे काम करें, अपने स्किल्स पे काम करें, अपने हैबिट्स पे काम करें, अपने स्ट्रेटजी पे काम करें और अपनी क्रिएटिविटी पे काम करें। तो ये अगर इस सक्सेस हेक्सागोन पे अगर वो काम करेगा तो सवाल ही नहीं है कि गवर्नमेंट सर्विस, राइट, सवाल ही नहीं है कि गवर्नमेंट सर्विस अगर उसको ना भी मिले तो रत्ती भर का कोई रिग्रेट नहीं होगा। क्या बात, दैट्स अमेजिंग, ट्रू। मतलब मैंने कई लोगों को देखा है कि जो पढ़ लिख करके उनको कुछ बढ़िया नौकरी लेना था, वो बढ़िया नौकरी नहीं ले पाए तो स्कूल खोल दिए। कई सारे ऐसे लोगों को देखा है, कई सारे लोग पढ़ लिख करके डॉक्टर बनना चाहते थे, नहीं बन पाए तो उन्होंने हॉस्पिटल खोल दिया है। मतलब देर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज वेयर यू कैन गो, और जिस स्किल्स की बात करें अगर वो एक्स्ट्रा स्किल्स लेकर के अपने भीतर चले तो जेन्युइनली दे कैन डू अमेजिंग इन देयर लाइफ, क्योंकि अनसर्टेनिटी है गवर्नमेंट जॉब में। आप 6 लाख लोग यूपीएससी की अगर बात करिएगा तो 800 पोस्ट के लिए, अब ये 6 लाख लोग में 800 ही लोग सेलेक्ट होंगे, बाकी का क्या होना है? तो अब लेकिन ये 6 लाख लोग जो है उसमें से एटलीस्ट 2 लाख तो ऐसे लोग होंगे जिनको दिल में लग रहा होगा कि नहीं मेरा तो होना ही है, होना ही है, और उसके लिए जी जान लगाए हुए हैं वो। पैरेलली अगर हम एक एक्स्ट्रा स्किल सीख ले, जिसमें मैं देखता हूँ कि हमारी जो टीम है ये लोग भी वीडियो एडिटिंग करते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं, कुछ लोग डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, कुछ लोग हमारे सोशल मीडिया हैंडल कर रहे हैं, तो ये सब लोगों को अच्छा पे किया जा रहा है, और ये एक ऐसे स्किल्स हैं जिसको 1-2 महीने अगर सही तरीके से सीखा जाए तो आप उसमें प्रो हो सकते हैं। डेफिनेटली। तो भाई हम जो फालतू के टाइम इधर उधर बर्बाद करते हैं, क्यों ना इस तरीके के कुछ स्किल्स सीख ले, और कुछ नहीं तो एटलीस्ट इंग्लिश हो, इंग्लिश सीख ले। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जब बात इंग्लिश की हो रही है और आपसे इतने देर कन्वर्सेशन हुई और आपकी दोनों किताबों को देखा, और पहले से भी मेरे मन में प्लान था, तो ऑन कैमरा मैं चाहता हूँ आपको इन्वाइट करूँ इंग्लिश पे कि आप एक कोर्स एटलीस्ट इंग्लिश के लिए जरूर बनाएं। डेफिनेटली। आप किस टाइप के कोर्स आप ऑफर कर सकते हैं इंग्लिश प्लेटफॉर्म के? इंग्लिश प्लेटफॉर्म के लिए अगर आप कहेंगे तो मैं जनरल कॉम्पिटिशन का कोर्स मैं डिजाइन कर सकता हूँ। क्या बात। After that, जो प्रीमियम स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए मैं सॉफ्ट स्किल्स का कोर्स डिजाइन कर सकता हूँ, जिसमें कम्युनिकेशन आ सकता है, इंटरप्रिटेशन आ सकता है, क्रिएटिविटी आ सकती है, राइट, ये सारी चीजें आ सकती हैं। आफ्टर दैट सीबीएसई का 9 से लेके 12 तक का जो कोर्स होता है वो मैं डिजाइन कर सकता हूँ। बहुत अच्छे से। That's great. Amazing. Congratulations to all the audience. अभिषेक सर आ रहे हैं इंग्लिश शो पे, मिलेंगे जल्दी आपको, सर की कोर्सेज भी वहाँ पे। चलिए सवालों की तरफ बढ़ते हैं सर। ये सबसे पहली जो किताब है आपके पास ये है विजडम ऑफ एक्सेलेंस। विजडम ऑफ एक्सेलेंस आपने जब लिखा था तो ये पब्लिश सेल्फ पब्लिश हुई थी, राइट? पहले सेल्फ पब्लिश हुई, उसके बाद अभी इसे प्रभात पब्लिकेशन ने ले लिया। इसके बाद जब मैं यहाँ देखता हूँ इसके क्या कहते हैं जिन लोगों ने आपको प्रेज किया है, उनमें बड़े बड़े नाम हैं, आनंद सर हैं सुपर 30 वाले, विकास वैभव सर हैं, आईपीएस हैं बिहार के, बहुत ही चर्चित आईपीएस हैं, आपके
मिस्टर डीपी गर्ल्स तौन साहब हैं, ये आपके संत कैरेंस ग्रुप के आपके डायरेक्टर हैं, राइट। इसके अलावा अमित माहेश्वरी सर हैं, सागर सिन्हा जी हैं, डॉक्टर कुमार अरुणोदय सर हैं, ओम नारायण जी हैं, मतलब देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु हैज अप्रिशिएटेड योर वर्क एंड आई ट्रूली अप्रिशिएट इट, क्योंकि आपने बहुत मेहनत से इसको तैयार किया है और बहुत ही अच्छे तरीके से इस बुक को, मैंने मुझे तो लगता है कि आपने जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग मैं इसको मानता हूँ कि एक वर्कबुक है। अगर सही तरीके से कोई इसे इस्तेमाल कर ले तो उसके लाइफ में जो सक्सेस की स्पीड थी, जो सफलता तक पहुंचने की जो स्पीड थी, उसे गति मिल जाएगी, वो स्पीड अप हो जाएगी। कॉन्सेप्ट मैं जानना चाहूंगा कि कैसे आपके मन में आया कि विजडम ऑफ एक्सेलेंस पे कुछ लिखते हैं, हाउ डिड यू फाइंड इट, कि कैसे इस पे लिखने के बारे में विचार आया? देखिए, विचार तो बहुत पहले से ही था, क्योंकि पिछले ये किताबों को पढ़ने की जर्नी, लोगों से मिलने की जर्नी और उनका इंटरव्यू करने की जर्नी तकरीबन 3.5 साल पहले, कोरोना के ठीक 1 साल पहले से ये शुरू हुई थी। और आपको जान के बहुत खुशी होगी, और मुझे भी ये बताते हैं बड़ा अच्छा लगता है कि अब तक मैं पूरे बिहार और बिहार के बाहर के लगभग 100+ नेशनल और इंटरनेशनल एजुकेटर से मैं मिल चुका हूँ, उनसे कॉन्टैक्ट में हूँ और उनका इंटरव्यू करके उनसे नॉलेज गेन करता हूँ, उनसे पढ़ने जाता हूँ। आप देखिए, कोई आदमी अगर 55-60 ईयर्स में है और सेल्फ मेड मिलियनेयर है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कोई भी नौजवान अगर उस इंसान के पास जाएगा तो वो बहुत कुछ सीख के आएगा। ट्रू। लेकिन दुख की बात है कि आज का नौजवान सीखने में उसकी ललक नहीं है। हम लोग सीखने के लिए आज भी जाते हैं। आप कहते हैं कि रिलेशनशिप कैसे अच्छा होता है, आप अगर दिल से किसी के पास जाके बोलिएगा ना कि सर हम आपसे कुछ सीखना चाहते हैं, कागज कलम लेके बैठे कुछ पढ़ाइएगा, वो इंसान बहुत खुश होता है। क्या बात है, बिल्कुल, क्योंकि हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ है ऐसा जो आपको सिखाई सकता है, एंड दैट्स अमेजिंग। तो वहां से नॉलेज जब लेता गया तो मेरे पता नहीं जब, और अब तक मैंने कम से कम 550 के ऊपर बुक्स पढ़ी हैं अलग अलग टॉपिक पे, तो जब मैं बुक्स पढ़ता गया और प्लस अपने मेरे खुद की लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स रहे, तो मैंने सोचा कि इसको मैं क्या करता हूँ, पिन डाउन करता हूँ एक बुक में। तो मैं लिखना शुरू किया तकरीबन मुझे लगता है कि 3 साल पहले से ही, 3.5 साल पहले से मैं इसमें लिखना शुरू किया, और मुझे बुक को लिखने में कम से कम लगे तो 2 साल, लेकिन उसके पहले का जो मेरा एक्सपीरियंस था वो भी इसमें मैंने यूज़ किया। अमेजिंग। तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट आया। और एक्सीलेंस, देखिए एक्सीलेंट का कोई, आप पढ़े होंगे, ये एब्सोल्यूट एडजेक्टिव होता है ग्रामर में, इसमें मोर और मोस्ट नहीं होता है, इसलिए मैंने इसका नाम चुना विजडम ऑफ एक्सीलेंस। विजडम का मतलब होता है प्रज्ञा। विजडम इज द एबिलिटी टू लीड ए हैप्पी एंड सक्सेसफुल लाइफ। आप नॉलेजेबल हो सकते हो, एजुकेटेड हो सकते हो, लेकिन आप वाइज हो और इनलाइटेंड हो, ये बड़ा ट्रू, मतलब आप कह सकते हो कि बड़ा गहराई का सवाल। एग्जैक्टली। हाँ, आपको मैं कह सकता हूँ कि इंटेलिजेंट, आपको मैं कह सकता हूँ नॉलेजेबल, आपको मैं कह सकता हूँ एजुकेटेड, बट व्हेन आई से टू यू दैट अनुराग दांगी जी यू आर वाइज एंड यू आर इनलाइटेंड, तो सर फिर उसके ऊपर कोई लेवल ही नहीं, नेक्स्ट लेवल की चीज, मतलब वो उसके ऊपर कोई आप एडजेक्टिव नहीं सुना सकते। ट्रू। तो उस कॉन्सेप्ट के साथ और बुक को लिखते समय मैं ये सोच रहा था कि जिस तरह से मैं अपने जिंदगी में जितने सारे पेन्स को, प्रॉब्लम्स को, ट्रेजिडीज को मैंने ओवरकम किया है और मैंने किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया है, मैंने कैसे अपने आप को संभाला है, तो मैंने सोचा कि मैं अगर इसमें डालूं, और बाकी के लोगों के जीवन को भी मैंने देखा, तो मैंने सोचा कि मैं इसमें डालूं और लोगों को थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, साइंटिफिक मोटिवेशन मिले, सो दैट दे कैन राइज फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ एंड अचीव द नोबलेस्ट एंड्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। दैट्स अमेजिंग, ट्रूली अमेजिंग। मतलब आपने किताब लिखने के पीछे की जर्नी को जिस तरीके से बताया, मतलब दैट्स रियली इंस्पायरिंग, क्योंकि आप, सबसे अच्छी बात क्या है ना कि आप अगर किसी को सिखाना कुछ चाहते हैं तो सबसे पहले आपको सीखना पड़ता है, और सीखने के लिए आपने इतनी अच्छी बात बता दी, क्योंकि मैं इससे बहुत अधिक रिलेट कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरी स्कूलिंग बहुत अच्छी नहीं हुई, मैं बिहार बोर्ड से रहा, मुझे पता है, मेरी कॉलेज नहीं जा पाया, कॉलेज भी अच्छा नहीं हुआ, तो अल्टीमेटली मेरे पास क्या ऑप्शन था, मेरे पास ऑप्शन था कि लोगों से सीखूं, मैं आपसे मिलाऊं, आपसे सीखाऊं, और इस शो के शुरू करने के पीछे का भी जो गूढ़ है, जो रहस्य है, वो यही है। बड़े प्यार से मैं बैठता हूँ लोगों के सामने, कुछ भी ऐसा नहीं कि कुछ एक प्लान्ड वे में कुछ मैं बातें करता हूँ, मुझे जो लगता है मेरे दिल में कि नहीं ये मुझे जानना चाहिए, मुझे सीखना चाहिए, वो मैं पूछ लेता हूँ, और जेन्युइनली ये मेरे लाइफ में वैल्यू एडिशन कर रहा है। और आप कई बार मुझसे बोल चुके हैं कि सर आप क्यों किताब नहीं लिख रहे, क्यों नहीं लिख रहे, तो वो जो है ना आपका वो वाला दौर मेरा चल रहा है कि पहले आप जाके कलेक्ट करते हैं, कलेक्शन का दौर चल रहा है, कलेक्शन का दौर चल रहा है, अभी पढ़ने का दौर चल रहा है, और शायद एक वक्त आपके सहयोग से हम भी पब्लिश्ड ऑथर बन जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस शो में होने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अब ये पहली किताब की बात हुई, दूसरी किताब यू आर अनस्टॉपेबल, कैसे, मतलब आपके मन में ये आया कि यू आर अनस्टॉपेबल, मतलब बहुत लोग ऐसे हैं जो शुरुआत करते हैं और रुक जाते हैं, कई लोग कहते हैं कि स्टार्टिंग इज हार्डेस्ट, बट मेरा मानना है कि स्टार्टिंग इज ईजीएस्ट, शुरू करना किसी भी चीज को बहुत आसान है,
आप शुरू कर देते हैं, लेकिन उसको कंसिस्टेंटली लंबे तक चला लंबे समय तक चलाना मुश्किल होता है। तो आपने एकदम इसको लिख दिया सीधे, यू आर अनस्टॉपेबल, आप रुक ही नहीं सकते, आपने शुरू कर दिया तो विल बी कंसिस्टेंट। मतलब कैसे, ये कैसे आपने सोचा, ये विचार कैसे आए? देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब जिंदगी में आप टूटते हैं, टूट के बिखरते हैं, और खासकर उस समय अगर आपको फैमिली का सपोर्ट ना मिले, सोसाइटी का सपोर्ट ना मिले, तो दुख तो बहुत होता है। और एक पॉइंट आता है जब लगता है कि अब नहीं हो पाएगा, ये सभी के साथ, exactly, हर किसी के साथ ये कॉमन है। मैंने एक शख्स आए थे हमारे यहाँ पे, रुकेंगे थोड़ा सा, उनसे जब बात हो रही थी तो उनके किसी दोस्त ने सुसाइड किया था। तो मैंने उनसे पूछा कि कैसे कोई कर सकता है सुसाइड, तो उन्होंने मुझे मैसेज किया कि मैंने भी 3-4 बार ट्राई किया टूट के, और मतलब जैसे उन्होंने बोला कि मैंने भी 3-4 बार ट्राई किए, मेरे दिमाग उड़ गए। मतलब सच बता रहा हूँ, मेरे एकदम लगा कि हाउ ही कैन ट्राई मुझे, क्योंकि मैं उनसे बहुत अधिक इंस्पायर होता हूँ। मुझे लगता है कि यार ये इतना इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी भी सुसाइड अटेम्प्ट कर सकता है, मतलब कैसे, हाउ? तो जो आप अभी बता रहे हो ना कि हर किसी के जिंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब लगता है कि अब सब कुछ खत्म, टूट चुका है, उस वक्त वो ब्रेक लेना चाहता है, रुकना चाहता है। आई कैन रेजोनेट, मुझे सच में चीज़ें रिलेटेबल लग रही है जी। प्लीज, 2007 में, 2008 में भी मेरे पास भी ऐसी सिचुएशन आया था, मैंने भी अटेम्प्ट किया था सुसाइड, बहुत कोशिश की, हाँ डेफिनेटली 10 से 12 बार बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन मेरा रहा था। अभी चूँकि हम लोग ऐसे सिचुएशन में मैं गुजर रहा था, मैंने अपने पूरे हाथ पर सब काट लिए थे, बहुत ज़्यादा साइको वाला मेरा बिहेवियर हो गया था। रीज़न क्या? रीज़न बहुत सारा रीजन्स है सर, रीजन्स तो वो बहुत लंबे चौड़े हैं, दैट इज़ द रीज़न वाई। देखिए सर, मोटिवेशनल स्पीकर दो ही केस में बनते हैं लोग, जो मुझे समझ आता है, एक या तो बहुत जल्दी वो बहुत कम उम्र में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया है, या फिर उसका जिंदगी पूरी तरह से झंड हो चुकी है, एक टाइम पर हुई थी, वहाँ से वो निकल गया है, अब वो समझ रहा है कि जब मैं निकल गया हूँ हाँ तो सभी लोगों को मदद करो वहाँ से, हैंडहोल्डिंग सपोर्ट करके वो निकले। क्या बात, आप बिलीव नहीं कीजिएगा, मेरे सेलफोन्स में इतने सारे टेस्टिमोनियल्स हैं, कुछ प्रोफेशनल्स हैं बड़े बड़े, कुछ सिंगर्स हैं, कुछ ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, कुछ आप कह सकते हैं कि डांसर्स हैं, वो लोग मुझे पर्सनली वीडियोस बना के भेजते हैं कि आपने डिप्रेशन में मुझे, मैं एक एक डेढ़ घंटे लोगों की काउंसलिंग करता हूं, उनको हेल्प करता हूं कि किसी तरह से आप निकलिए, आप बहुत कुछ कर सकते हैं जिंदगी में। और अभी रिसेंटली एक हमारे क्लाइंट है जो BHU पास आउट है, बहुत कॉम्पिटेंट और क्वालिफाइड क्लाइंट, और उनका मतलब उनसे मैं पूछ रहा था आपका कैसा रूटीन चल रहा है, तो वो कह रही थी एवरीथिंग इज फक्ड अप। जब भी मैं पूछता था दोपहर का कैसा रूटीन चल रहा है, शी वॉज क्राइंग ऑन द फोन एंड शी वॉज सेइंग एवरीथिंग इज फक्ड अप अभिषेक सर। तो मैंने लगातार 3-4 दिन मैं उनके साथ सपोर्ट पे रहा, और उनको व्हाट्सएप किया, कॉल्स किया, कुछ मैसेजेस किए, कुछ जोक्स भेजे, अलग अलग टेक्निक्स मैंने यूज़ किया, और मैंने उनको फाइनली वहाँ से निकाल पाया। ये मेरी अर्निंग है, ठीक है ना, यही मेरी अर्निंग है। कि अगर कोई, अगर कहते हैं ना कि इबादत नहीं है मंदिर में फूल चढ़ा देना, इबादत नहीं है मस्जिद में नमाज अदा कर देना, इबादत है भूखे को खिला देना, उजड़े को बसा देना और रोते को हंसा देना। क्या बात, ये really बात है। तो ये सारी बातें हैं। और जहां तक टाइटल की बात, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, टाइटल की बात जहां पर आती है, तो यू आर अनस्टॉपेबल, आपको कोई रोक नहीं सकता है, आप खुद भी चाहोगे एक पॉइंट पर, जैसे अब आप जिस लेवल पे आ चुके हो, आप खुद भी चाहोगे तो अपने आप को रोक पाओगे? नहीं रोक पाओगे सर। मैं इतना मेहनत कर चुका हूं, यहां से लुकिंग बैक का कोई चांस ही नहीं है, यहां से क्विटिंग का चांस हो ही नहीं सकता है ना। आपको खुद ही, ये मेरा सपना है कि मुझे लोगों की मदद करनी, ये अनुराग दांगी जी का सपना है, आपने खुद चुना है, आप पर किसी ने दबाव नहीं दिया है कि अनुराग दांगी जी आप ये काम कीजिए, तो आप अपने आप ये अफोर्ड कैसे कर सकते कि अपने ही काम को आप खुद रोक दीजिए? तो अनस्टॉपेबल का मतलब होता है कि सबसे पहले अपने आप को रियलाइज कर लो, आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपका पावर क्या है, आपकी एनर्जी क्या है, ठीक है, आपका ड्राइव क्या है, आपका किक क्या है, और वहां पर बैठ जाओ, कुंडी मार के बैठ जाओ, ठीक है, और एकदम वहां पर बैठ जाओ, और अपने आप को उस टॉपिक के अकॉर्डिंग अपने स्किल्स को, अपने टैलेंट को क्या करो, बढ़ाना शुरू करो और काम करना शुरू करो। क्या बात, तो तभी क्या होगा कि आप अनस्टॉपेबल हो जाओगे। अनस्टॉपेबल का मतलब ये हवा पे हवाई फायरिंग नहीं है, आप सच में अनस्टॉपेबल है। डिपेंड करता है कि आप अपने आप को कितना पहचान पा रहे हैं। अगर आप अपने भीतर की आवाज को नहीं सुन पा रहे हैं, अगर आप अपने आप को नहीं पहचान रहे हैं, तो आप लाइफ, पूरा लाइफ आप स्टक किए हुए रहोगे, पूरे लाइफ आपकी चौपट हो जाएगी, आपके पास बैंक अकाउंट में बहुत अधिक पैसे होने के बाद भी आप खुश नहीं रहोगे। एग्जाम्पल से मैं सब्सटेंशिएट करता हूं, आज के नौजवानों को बहुत जरूरत है इसकी। आप देखेंगे, अगर आप सुनेंगे, अगर देखेंगे, आप नाम सुनेंगे मालिन मनरो का,
इतनी बड़ी स्टार, ठीक है ना? ओके, अगर आप अभी भी गूगल करोगे तो आपको इन्फॉर्मेशन क्या मिलेगा, मार्लिन मनरो किल सेल्फ टुक 40 प्लस पिल्स ओके एट अ सिंगल टाइम, सुसाइड का केस आ गया। आप एल्विस प्रिस्ली का नाम सुनोगे, एल्विस प्रिस्ली जो रॉक एंड रोल का जिसको पास्टर कहा जाता है, एल्विस प्रिस्ली ऑल्सो कमिटेड सुसाइड। आप गुरुदत्त का नाम सुनोगे, उन्होंने भी मतलब सुसाइड किया। आप रिसेंटली ये सुशांत सिंह राजपूत जी का, ठीक है, अगर आप उनका नाम लोग जो पुलिस रिकॉर्ड्स कह रही है, हम लोग उसी को ना पब्लिक करेंगे। जब तक कोई डिसीजन नहीं आएगा तो उसी को हम लोग मानेंगे। तो सुशांत सिंह राजपूत जी का भी हम लोग सुन रहे हैं कि सुसाइड, ऐसे कितने सारे केसेस हैं। इट मींस ये वैल्यूज गिव अस फुलफिलमेंट, दे वर बिलियनेयर ओके बट दे टुक ऑन देयर लाइव्स टू ड्रग्स ओके अल्कोहल एंड दे कमिटेड सुसाइड बिकॉज टू द आउटसाइड वर्ल्ड दे लुक सक्सेसफुल बट विद इन देमसेल्फ दे फेल्ट एम्प्टी। संदीप महेश्वरी जी का अगर आप देखेंगे तो त्याग अगर सीखना है तो उस इंसान से सीखने की जरूरत है। True. क्या डिसिप्लिन को मेंटेन करके रखे हुए हैं। कल मैं देख रहा था एक कोई सज्जन आए हुए थे, कॉमेडियन स्टैंड अप कॉमेडियन आया हुआ था, इतना हंसा रहा था, इतने मुझे अच्छा लग रहा था कि बिना डिस्टरबेंस के बिना पैसा लिए हुए आधा घंटा एंटरटेनमेंट मिला। हिंदुस्तान में कोई ऐसा पोर्टल नहीं है जो आपको आधा घंटा एंटरटेन कर देगा, लेकिन बिना पैसा चार्ज किए हुए बिना एड दिखाए हुए आधा घंटा उसने जो हम लोगों को हंसाया, पीछे और भी एक स्टैंड अप कॉमेडियन आए हुए थे, मजा आ गया सर। तो ये तो आप देखिए, पैसा तो थोड़ी उसके पास बहुत ज्यादा है, पैसा तो नहीं उसके पास, लेकिन जो काम वो कर रहे हैं वो अमेजिंग है। दैट्स अमेजिंग, ट्रूली अमेजिंग। और इसी की एक कैपेसिटी है, एक संतोष है भीतर, एक खुशी है। एंड अनडाउटली आई अप्रिशिएट संदीप माहेश्वरी सर, क्योंकि 2012 में पहली बार मैं उन्हें सुना था और ये जो पब्लिक स्पीकिंग की बीज जो है कहीं ना कहीं उसी के बाद मेरे भीतर आई थी। लेकिन एक लाइन जो उन्होंने बोला था अपने लास्ट लाइफ चेंजिंग सेमिनार में कि किसी भूखे को एक रोटी खिला देना, वो आज तक मेरे जीवन से जुड़ा हुआ है। जब भी मुझे मौका मिलता है, I truly love to go for the people। और अब जब आप लोगों के लिए कुछ कर रहे होते हैं ना, सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे होते हैं, तो फिर भीतर असंतोष का भाव नहीं आता है। तब आप सच में मतलब खुश होते हैं, आप बहुत ही आनंदित फील करते हैं। तो मुझे एक ही बात समझ में आई जो आपने बोला ना कि 10 करोड़ रुपए अकाउंट में है फिर भी वो भीतर से टूटा पड़ा टूटा हुआ। ये तब होता है जब आप सिर्फ और सिर्फ सेल्फ सेंट्रिक होकर के अपने लिए बस जीवन जी रहे होते हैं। जैसे ही आप लोगों के लिए कुछ करना शुरू कर देते हैं ना, तो फिर वो एकेस्टेसी, वो खुशी, वो आनंद आपको मिलना शुरू। आते हैं सर इस एपिसोड के आखिरी सवाल से, एक सवाल पहले। सवाल ये है कि आप अपने आप को साइंटिफिक मोटिवेटर, मतलब साइंटिफिक मोटिवेशन लोगों को आप देते हैं, मतलब ये एग्जैक्टली है क्या? क्योंकि आज मोटिवेशन हर लोग दे रहा है, ये साइंटिफिक मोटिवेशन क्या है? देखिए, साइंटिफिक मोटिवेशन दो प्रकार का होता है। एक मोटिवेशन वो होता है जो इंसान अगर प्रोग्राम अटेंड कर रहा है तो स्पीकर ने अपना मोटिवेशन आपको ट्रांसफर किया, जो थोड़े टाइम के लिए रहता है, जो टेम्पररी होता है, उसके बाद वो होता है दैट मोटिवेशन ड्रेन्स अवे, ओके इट ड्रेन्स आउट। साइंटिफिक मोटिवेशन का मतलब होता है कि मोटिवेशन देना प्लस साथ साथ टूल्स, टेम्पलेट्स, स्ट्रेटजीज और हैंड होल्डिंग सपोर्ट करना और उसको समझाना कि अब तुम ए बी सी डी ई ये चार तरीके अगर तुम करते हो तो तुम अपने गोल को क्या कर लोगे, अचीव कर लोगे। अगर तुम डिप्रेशन में हो, अगर तुम फ्रस्ट्रेशन में हो, तुम ये एक दो तीन चार पांच काम करोगे, तुम वहां से क्या हो जाओगे, बाहर निकल जाओगे। ये साइंटिफिक मोटिवेशन है। बहुत सारे स्पीकर्स को मैंने देखा है जिनके मिलियन में व्यूज जाते हैं, मैं उन पे कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ कहानियां सुनाते हैं। कहानियां सुनानी चाहिए, कहानियां हैव डीप एंड लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट इन पीपल्स लाइफ, लेकिन उसके साथ साथ उन्हें क्या करना चाहिए, रोड मैप देना चाहिए, ठीक है, उनको टेक्निक्स बताने चाहिए, उनको प्लानिंग देना चाहिए, उनको एग्जीक्यूट कराने में मदद करनी चाहिए ताकि उनके लाइफ में डीप शिफ्ट आ सके। क्या बात है, मतलब वो हवा हवाई ना हो कि सिर्फ मोटिवेशन से आग तो लग गया, अब करना कैसे ये बताइए, हाउ बता नहीं पाते। मैं आपको मोटिवेट करूं, आप एरोप्लेन चला लेंगे, और बहुत सारे ऐसे केस स्टडीज को मैंने दिखाया, लेकिन क्या मैंने आपको जेन्युइन ट्रेनिंग दी कि कैसे चलाया जाता है हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन? नहीं दिया ना, तो फिर वो मोटिवेशन का कोई फायदा नहीं। आपने मोटिवेट कर दिया कि तुम तैर सकते हो और कुदा दिए पानी में बटर को, टेक्निक बताया ही नहीं आपने, तो डूबना तो तय ही है। ऑब्वियसली दैट्स अमेजिंग दैट यू आर गिविंग साइंटिफिक मोटिवेशन टू पीपल। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग इन द शो। लास्ट में हम चाहेंगे कुछ अल्टीमेट कुछ मैसेज देना चाहें हमारे ऑडियंस को, तो आप पर्सनली बिल्कुल दे सकते हैं। दर्शकों को मैं कहना चाहता हूं अपने कुछ कविता के माध्यम से, अपने अंदाज में, पहचानो खुद को खुद से ही इन आवाजों की शोर में। क्या बात है, तुम में भी कुछ खास है जो नहीं कहीं किसी और में। क्या बात है, बहुत गिरकर उठो, उठकर बढ़ो अपनी पहचान बनाने को। क्या बात है, तुम हो अटल साबित करो अपना लोहा मनवाने को। क्या बात, सफलता पाने के लिए नरहो भीड़ की होड़ में,
पहचानो खुद को खुद से ही इन आवाजों की शोर में। क्या बात, अमेजिंग। कोशिश करो, प्रयास करो, अपनी क्षमता का आभास करो, दूर करो कमियों के, अपने गुणवत्ता का विकास करो। क्या बात, दीपक कहां टिक पाएगा प्रचंड हवा के वेग में, तूफान तुमको बनना होगा, ज्वाला तुमको बनना होगा इस आंधी के आवेग में, खड़े तभी रह पाओगे इन तूफानों के जोर में, पहचानो खुद को खुद से ही इन आवाजों की शोर। क्या बात, बहुत शानदार, लाजवाब। यकीनन मुझे विश्वास हो रहा है कि ये एपिसोड लोगों के लिए बहुत ही अधिक शानदार होने वाला है। इस एपिसोड में जो वैल्यू आपने ऐड किया है लोगों के लाइफ में, दैट्स ट्रूली कमेंडेबल। आई रियली अप्रिशिएट दैट यू केम टू दिस शो। थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग द शो। और मुझे लगता है कि ये बातचीत का सिलसिला शायद खत्म ही नहीं हो पाएगा अगर हम लोग ये बातचीत करते रहे तो, लेकिन ये सिलसिला को अभी हम समाप्त नहीं करेंगे, विराम देंगे, फिर किसी और एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी जहाँ किसी विशेष टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे हैं। आपके लिए भी कुछ 4-5 लाइन जरूर कहना चाहूंगा। शुक्रिया कि मैंने बहुत सारे लोगों से, मेरा एसोसिएशन रहा है, और ऐसे उम्र में तो आप बहुत ही मतलब 4-5 साल से छोटे हैं उम्र में, लेकिन मैं आपसे मोटिवेशन लेता हूँ जब मैं आपको देखता हूँ इस तरह से, मतलब वो हम लोग की गांव में कहावत है ना कि बिरनी के जैसा लगा रहता है, तो वो मैं आपने देखते हैं तो बिरनी की तरह, ग्रास हॉपर की तरह एकदम। और आपका जो सबसे अलग टैलेंट है वो मल्टीपल चीजों को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कंप्लीटनेस की तरफ लेके जाना और कमिटेड होकर उसमें रिजल्ट प्रोड्यूस करना, मेरे से नहीं होगा सर, इतनी चीजें मैं नहीं कर सकता सही में। किसी किसी इंसान को शायद भगवान या कह लीजिए शायद वो खुद ही परिश्रम करके, वो मल्टीपल चीजों में आपका जो इंगेजमेंट है और वो अकाउंटेबिलिटी के साथ है सर। जैसे मैं आपको देखता हूँ अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, बहुत हर बार कुछ आप नया करते रहते हैं, हर बार कुछ ना कुछ नया करते हैं और उसमें अकाउंटेबिलिटी लेते हैं, और ऐसा नहीं कि पुराना वाला छोड़ देते हैं, वो भी चल रहा है, नया भी चल रहा है। आप मैनेजमेंट गुरु है, आपकी केस स्टडी इंडिया के मैनेजमेंट कॉलेज में पढ़ानी चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा यहाँ पे अगर कोई मैनेजमेंट बॉडी अगर देख रही हो तो इनकी अनुराग दांगी जी की केस स्टडी आप अपने मैनेजमेंट कॉलेज में जरूर से जरूर पढ़ाएं। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बस मुझे लगता है कि 24 घंटे सबके पास है, हमारे पास भी है, एंड इन 24 घंटों में जितना मैक्सिमम मैं अपने पोटेंशियल से, अपनी काबिलियत से, अपने एफर्ट से निकाल पाऊँ, कोशिश करता हूँ निकालने की, बाकी ईश्वर है, ईश्वर साथ देता है, चीज़ें होते जाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस शो में आने के लिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू लॉट। फिर मिलेंगे जल्दी किसी और एपिसोड में। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक बने रहने के लिए। इस एपिसोड को फैला दीजिए अपनी कम्युनिटी में, अपने लोगों के बीच में, क्योंकि सच में ये एपिसोड लोगों तक पहुँचना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि इस एपिसोड में कोई ऐसी बात जो आपके दिल को छू गई हो तो वो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको लगता है कि कोई और शख्स इस शो का मेहमान बन सकता है तो उनके नाम भी कमेंट बॉक्स में जरूर सुझाइएगा, हम कोशिश करेंगे कि उन्हें इस शो में जरूर इनवाइट किया जाए। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट यहां तक रहने के लिए, शुक्रिया।